वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। रशिया और यूक्रेन के बीच में विवाद जारी है, युद्ध हो रहा है और इन सब के बीच में अमेरिका समेत पश्चिमी देश पहले ही कई तरीके के प्रतिबंध रूस पर लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी रशिया पर इन प्रतिबंधों का कोई असर नहीं पड़ रहा और रशिया खूब मालामाल हो रहा है। आर्थिकी फ्रंट पर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को लगा था कि रशिया को भारी नुकसान होगा, हालांकि रशिया ने इसका मजबूत विकल्प अपने तेल और गैस के रूप में ढूंढ लिया था। अब यही कारण है कि यूरोप के कई देश रूबल में तेल के लिए भुगतान कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में पश्चिमी मीडिया में कई तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें से एक रिपोर्ट ये बताती है कि भारत समेत चीन यानी दक्षिण एशिया में भारी मात्रा में कच्चे तेल को खरीदा जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल रूसी तेल की एक रिकॉर्ड मात्रा बोट टैंकरों पर है। रिपोर्ट के अनुसार रूस का करीब 74 मिलियन और 89 मिलियन बैरल तेल इस समय समुद्र के रास्ते में है। ये यूक्रेन पर फरवरी में हुए आक्रमण से ठीक पहले 27 मिलियन बैरल के मुकाबले दोगुना से अधिक है, जिसको लेकर अंदाजा है कि मई में ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। अब इस बीच भारत को लेकर बड़ी बात सामने आई। भारत को लेकर ये कहा गया कि क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार भारत बन गया है। भारत को लेकर कहा गया कि भारत अप्रैल में रूसी यूराल क्रूड के सबसे बड़े खरीदार के रूप में उभरा है। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस के पारंपरिक खरीदार यूरोपीय देश व्यापारिक सौदा नहीं कर रहे हैं, जिसे लेकर रूस का यूराल क्रूड अपने निचले स्तर पर है। यही कारण है कि मौके की नजाकत को समझते हुए इस समय भारत ने क्रूड ऑयल को खरीदना और इसका स्टॉक तैयार करना शुरू कर दिया है, और हाल के कुछ महीनों में इसे लेकर जो आंकड़े सामने आए वो बहुत ज्यादा है। फिलहाल ब्रिट क्रूड ऑयल के मुकाबले यूराल क्रूड पर भारत को $40 तक की छूट मिली है और इस छूट का भारत पूरा फायदा भी उठा रहा है। कमोडिटी इंटेलिजेंस फर्म कैपलर के आंकड़ों की माने तो रूस ने अप्रैल में भारत को 6,27,000 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का निर्यात किया, जबकि मार्च में ये 2,74,000 बैरल था, वही फरवरी में ये शून्य था। कैपलर के आंकड़ों से पता चलता है कि यूरोप के कई रिफाइनरी द्वारा प्रतिबंधों और बहिष्कार के बाद भी यूराल क्रूड का निर्यात औसतन 2.24 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, जो साल 2019 के बाद से सबसे अधिक है। रशियन क्रूड ऑयल के संदर्भ में अगर बात यूरोपियन देशों की करते हैं तो वहां भी आंकड़ा अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। यूरोपीय देश परंपरागत रूप से रूसी तेल के खरीदार थे, यही कारण है कि रूस का एशियाई देशों से ज्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन अब स्थिति बहुत बड़े स्तर पर बदल गई है, हालात बदल गए हैं। रशिया की यूरोप के साथ साझेदारी में बड़ा बदलाव आया है। कई तरीके की खटास के बीच में अब रशिया यूरोप से एशिया पर शिफ्ट करना शुरू कर चुका है, और ऐसे में रशिया की नजरें भारत और चीन पर प्रमुखता से हैं। रूसी कच्चे तेल की बात करें तो 26 मई तक यूराल का लगभग 57 मिलियन बैरल और रूसी ESPO क्रूड के 7.3 मिलियन बैरल कंटेनर इस समय समुद्री रास्ते में हैं, जबकि फरवरी के अंत में 19 मिलियन यूराल और 5.7 मिलियन ESPO एशिया के रास्ते में थे। अब ये जानकारी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दी गई है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में ही किया। अब इन सब के बीच में क्या ये सिर्फ अंदाजा है या फिर ऑथेंटिक आंकड़ा, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ अगर भारत क्रूड ऑयल को लेकर स्टॉक तैयार कर रहा है तो ये भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा, और साथ ही साथ क्या इससे पश्चिमी देशों को झटका लगेगा, ये देखना भी आगे दिलचस्प होगा। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।